वेलकम टू माय चैनल लर्न विद एसडी। दोस्तों दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीएचएसएल की, एवरेज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एवरेज का लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक का भी, ये मैंने सारे अर्थमेटिक टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं, ये अर्थमेटिक का भी लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाता है। अगेन मैं आपको बताऊंगा इसके आगे कि मैंने कैसे कैसे सारा कंप्लीट कराया हूं। अगेन मैं बता दूं कि मैं प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूं, ताकि आपसे क्वेश्चन छूटने ना पाए। देखो 17 टॉपिक्स अर्थमेटिक में मैंने करा चुका हूं। देखो ये एवरेज का लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपको एवरेज भी कंप्लीट हो गया। यानी ये 17 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए आपको, पूरी की पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट करा चुका। अब इसके बाद मैं आपको एडवांस मैथ आपको स्टार्ट करने वाला हूं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेसेस एंड गेम्स, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और एवरेज। 17 टॉपिक्स आपका पूरा का पूरा अर्थमेटिक फाइनल हो चुका है। मैं अगेन बता दूं आपको, प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन को लेके चल रहा हूं, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन आप देखे होंगे, विदाउट फार्मूला मैंने आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराए हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि विदाउट फार्मूला, सिर्फ फार्मूला, कहीं कहीं एक दो मुश्किल से मैं पूरी या अर्थमेटिक कंप्लीट कराऊंगा, सिर्फ 6 से 7 फार्मूला से ज्यादा मैंने पूरी अर्थमेटिक, ये 17 टॉपिक्स विदाउट ओनली फॉर 6 to 7 फार्मूला के अलावा एक भी फार्मूला मैंने नहीं बताया हूं। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी सीजीएल की, चाहे सीएचएसएल की, चाहे रेलवे की, एनी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां पर यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। आप भी इस कोर्स को, ये 17 टॉपिक को सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ₹200 में आप इस सारे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। पेटीएम के थ्रू कर सकते हो, पेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हो ₹200, या अकाउंट नंबर दिया हो इसके थ्रू पे कर सकते हो। इसके बेनिफिट क्या है कि ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं। इसका बेनिफिट कैसे आपको, देखो पहले पे करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट पे स्लिप का आपको इस व्हाट्सएप पे भेजना होगा। उसके बाद मैं एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहां पे जैसे 17 ये टॉपिक है, 17 टॉपिक्स का आपको सिक्वेंस वाइज वीडियो अरेंज किया गया है। सेकेंड, आपको पीडीएफ मिलेगी, जो 17 टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कराया इसकी सीक्वेंस वाइज पीडीएफ, मतलब टॉपिक वाइज पीडीएफ, वही जो क्लास में क्वेश्चन कराया गया है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में पीडीएफ है। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप भी बने हैं, आप क्वेश्चन बनाओगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डाउट ग्रुप भी बना हुआ है। तो अलॉट ऑफ बेनिफिट आपको मिल सकता है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं। ये एवरेज का लास्ट टॉपिक है, इसमें देखो 2 क्वेश्चन मैंने उठाया है, क्योंकि इस टाइप में अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, लेकिन ये मेंस का टफ क्वेश्चन में से एक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं ले रखा हूं, ये मेंस के टफ क्वेश्चन में से एक है, बिकॉज अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन पढ़े इससे, हम क्या करते थे, सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज करते थे। इसमें क्या है, 2 कॉन्सेप्ट यूज करना है। मेंस में ऐसा नहीं है, टफ बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर देता है। तो देखो इस क्वेश्चन में पहले इसको देखो, बेसिक से सोचेंगे कैसे, कि कितना बेसिक से बनाते बनाते थक जाओगे, फाइनल जाके तब जाके आंसर आएगा। देखो, और इसको हम किस वे से कराऊंगा, जिस वे से कराऊंगा उसके अलावा आप कोई भी वे यूज करते हो इस क्वेश्चन को बनाना, देखना कितना डिफिकल्ट बनने वाला है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास ए बी सी एंड इतना इतना इतना, द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्लास ए एंड बी इज इतना, वाइल द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी एंड सी इज इतना, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 3 क्लासेस। क्वेश्चन देखने में तो आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को खुद से बनाना कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हो, और मैं जब बताऊंगा उसके बाद देखना, कंपेयर कर लेना कि किसके बनाने में कितना फर्क पड़ता है। कक्षा ए बी सी के विद्यार्थियों का औसत अंक इतना 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 है, कक्षा ए और बी के औसत अंक कितने हैं, जबकि कक्षा बी और सी के औसत अंक कितने हैं, तो तीनों कक्षाओं का औसत अंक ज्ञात कीजिए। देखो दिया क्या है, सबसे पहले वो लिखते हैं, ए है जिसका एवरेज दिया हुआ है 84, बी दिया हुआ है जिसका एवरेज दिया हुआ है 76, और सी है क्लास जिसका एवरेज दिया हुआ है क्या, 85। अगेन 2 इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, 2 इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दोनों क्लास मिला के एवरेज कितना दिया, 79, बी प्लस सी दोनों क्लास मिला के दिया हुआ है 81। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 3 क्लासेस।
देखो अगर इसको बेसिक से, फॉर एग्जांपल मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि बेसिक से देखो किस तरह से कितना डिफिकल्ट होगा। एवरेज कितना, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय क्या, नंबर। तो अगर मैं क्लास ए का सम निकालूँ, सम क्या होगा, एवरेज इंटू नंबर। लो जी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल क्लास ए, क्लास ए, क्लास ए का अगर मैं सम लिखा लूँ, एस ए लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, एवरेज 33। नंबर क्या है इसका, मान लेता हूँ एक्स। क्लास बी का लिखना हो तो एस बी क्या होगा, 76 इंटू इसका नंबर वाई। क्लास सी का लिखना हो तो इसका क्या लिखोगे, 85 इंटू जेड। फिर इन दोनों का लिखना हो तो क्लास ए प्लस बी तो क्या लिखोगे, 79 इंटू दोनों का नंबर क्या है, मान लेते हैं इसका नंबर एक्स था, इसका वाई और इसका जेड, तो आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस वाई। क्लास बी प्लस सी का क्या लिखोगे, 81 इंटू क्या लिखोगे, वाई प्लस जेड। फिर इन तीन चार इक्वेशन को सोल्व करोगे, फाइनल गेट जाके तब जाके आंसर मिलेगा। और हमें निकालना क्या है, एवरेज निकालना है क्या, पूरी होल क्लास का, यानी निकालना क्या है, एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी डिवाइडेड बाई क्या, क्लास का नंबर कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फाइंड आउट करना है। सोचो देखो इस क्वेश्चन में कितना डिफिकल्ट हो जाएगा बना। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जिसमें मैंने दो तरीका बताऊंगा, एलिगेशन भी लगाऊंगा, एलिगेशन से भी डायरेक्ट नहीं बन जाएगा, उसके बाद मिनिमम का कॉन्सेप्ट, तरबूजा कटेगा सब में बंटेगा वाला रूल लगाएंगे जो परसेंटेज में कर रहे थे। दो कॉन्सेप्ट लगाने के बाद ये क्वेश्चन को एकदम इजी वे से बना सकते हो, देखिएगा कैसे। तो ये तो बेसिक अप्रोच सोल्व करना, चारों इक्वेशन को ये एस ए एस बी एस सी निकालना, एक्स वाई जेड से डिवाइड करना, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये क्वेश्चन बनेगा। नो डाउट बनाते बनाते 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इस बेसिक से बनाओगे तो। तो इसको देखो हम किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखो, क्लास ए की कितनी दी हुई एवरेज, 83, क्लास बी का कितना दिया हुआ है, 76, और क्लास सी का कितना दिया हुआ है, 85, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी के क्लास का दिया हुआ है एवरेज कितना है, 79, और बी प्लस सी के क्लास के एवरेज कितना दिया हुआ है, 81। देखो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों में एलिगेशन लगाते हैं, और इन दो देखो, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, 83 है, 76 है, ए और बी का एवरेज कितना दिया हुआ, 79, यानी यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, मैं कलर चेंज कर लूँ, 83 माइनस 79 यानी कितना हो गया, 4, और 79 माइनस 76 एलिगेशन लगा दिया कितना हो गया, 3, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का क्या हो गया, रेशियो आ गया। अब फिर क्या करेंगे, बी और सी में एलिगेशन लगाएं, देखो B है और ये C है, B कितना है, 76, C कितना है, 85, और B प्लस C कितना है, 81। लो यहाँ पे एलिगेशन लगा दिया, एलिगेशन लगा दिया तो लो क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, 85 में से 81 गया कितना हो गया, 4, और 81 में से ये गया कितना हो गया, 5, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रेशियो आ गया ये। अब ध्यान से देखिएगा, A इज टू B कितना आ गया, 3:4, B इज टू C कितना आ गया, 4:5। आपको B दोनों जगह सेम है ना, कॉमन है, तब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, A इज टू B इज टू C कितना हो गया, 3:4:5। अगर नहीं होता तो फिर हम रेशियो मेथड में बताया था ना, A इज टू कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ता वो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा डाटा दिया हुआ था कि डायरेक्टली सेम आ गया था। अब देखो ध्यान से, अब इसको हम यहाँ तक तो काम हो गया कि तीनों का मिल गया 3:2, देखो हमारे पास क्लास ए बी और सी तीनों का एवरेज, तीनों का रेशियो कितना मिल गया, 3:4:5, तीनों का एवरेज कितना दिया होता है, इसका दिया होता है 83, इसका दिया हुआ है 76, इसका दिया होता है 85। अब मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगा लें, देखो मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो क्या होगा, इनमें मिनिमम कौन होगा, ये मिनिमम होगा, यानी पूरे ए प्लस बी प्लस पूरे क्लास की एवरेज, पूरे तीनों क्लास की एवरेज 76 तो होगी होगी मिनिमम। अब ये इससे कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखो, 7 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का एक्स्ट्रा है, 3 लोगों का, तो 7:3 यानी कितना, 21 एक्स्ट्रा। इधर ये कितना एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखो, 4 और 9 एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा कितने लोगों का एक्स्ट्रा है, 5 लोगों का, यानी 9:5 यानी कि 45 एक्स्ट्रा। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 21 प्लस 45, ठीक है, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, 21 प्लस 45 कितना हो गया, 66। अब ये टोटल एक्स्ट्रा आ गया, देखो यहां पे मैं लिखता हूं, टोटल एक्स्ट्रा 66 है। अब ध्यान देखो,
तरबूजा कट गया, सब में बटेगा, सब में बटेगा, इन तीनों में बटेगा कितना, चार तीन सात पाँच बारह, यानी कितना हो गया 12, यानी कितना हो गया 5.5, क्या हो गया एवरेज एक्स्ट्रा, यानी पूरी क्लास का एवरेज 76 तो होगा, इसके साथ कितना एक्स्ट्रा होगा 5.5, यानी कितना हो गया 6, 5, 11, यानी 81.5, यानी ये पूरी क्लास तीनों क्लास की मिला के एवरेज हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको पहले भी परसेंटेज में कराया था, प्रॉफिट एंड लॉस में कराया था, मिनिमम का कॉन्सेप्ट, यानी दो क्वेश्चन को मिक्स करके बना दिया तो ये मेंस का क्वेश्चन हो जाता है। और आपको इसके अलावा इस क्वेश्चन को कोई भी वे बना लेना, इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा और बहुत डिफिकल्ट होगा। आप खुद से ट्राई इस क्वेश्चन को अनदर वे से करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इतना बड़ा डाटा दिया हुआ है, लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन नहीं, सेम अप्लाई करेंगे। ये भी मेंस के टफ क्वेश्चन में से एक है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पर्सन हैज थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ही सेल ऑल द टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इतना 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 प्रॉफिट इंडिविजुअली, द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइप इज 20%, वाइल प्रॉफिट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टाइप इज 21%, द एवरेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ आल हिज आल टाइप्स ऑफ आर्टिकल टुगेदर। सेम क्वेश्चन है, बस देखने का नजरिया है। देखो क्वेश्चन क्या करें, मान लेते हैं फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25%, सेकेंड टाइप का 18% और थर्ड टाइप का 26%। आगे क्वेश्चन कर रहा है फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिला के, फर्स्ट और सेकेंड मिला के 20% है और सेकेंड और थर्ड मिला के, सेकेंड और थर्ड मिला के कितना है 21%। तो मैंने सेम आपको बताया था, पहले एलिगेशन लगा दें, तीनों का पूछ रहा है कि तीनों क्लास मतलब प्रॉफिट कितना, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा जब तीनों को एक साथ बेचा जाए। ठीक है, देखो पहले इन दोनों में एलिगेशन लगा दें। देखो तो 25 फर्स्ट मान लेते हैं फर्स्ट है और ये क्या है सेकेंड है, ये 25 है, 25% है, ये 18% है, ए और फर्स्ट और सेकेंड मिला के कितना है 20% है। इस तरह से कर लें, 25 में से 20 गया कितना हो गया 4, 18 में से 20 में से 18 गया कितना हो गया 2, सॉरी यहां पे 25 में से 20 जाएगा 5 होगा ना, ठीक है, तो 2:5। अब फिर इन दोनों में एलिगेशन लगा दें, सेकेंड और थर्ड में एलिगेशन लगा दें, सेकेंड और थर्ड में लगाएं, सेकेंड कितना है 18, थर्ड कितना है 26 और सेकेंड और थर्ड कितना है 21। लो जी इन दोनों में एलिगेशन लगा दिया तो 26 में से 21 गया कितना बचा 5 और 21 में से 18 गया कितना हो गया 3। हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इज टू सेकेंड कितना आ गया 2:5, सेकेंड इज टू थर्ड कितना आ गया 5:3। इन दोनों में कॉमन है ना, सेकेंड वाला पोर्शन कॉमन है, तब तो डायरेक्टली लिख दे फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड कितना हो जाएगा 2:5:3, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी नहीं होता तो कंबाइंड रेशियो, रेशियो के जैसे मैंने रेशियो कंबाइंड करना बताया था उस तरह से करते, 2:5:3, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों का एवरेज दिया हुआ है कितना 25, सॉरी प्रॉफिट दिया हुआ है इतना इतना इतना, प्रॉफिट कितना दिया हुआ 25, इसका दिया हुआ 18 और इसका दिया हुआ कितना 26। परसेंटेज मैं नहीं लिख रहा हूँ, बाद में परसेंटेज यूज कर लेंगे। मिनिमम, मिनिमम का कॉन्सेप्ट, पूरी पूरी तीनों को मिला के बेचने पर मिनिमम तो इतना आएगा ही, तीनों में मिनिमम कौन है, यानी अगर मैं पूरे को बेचूं सेल करूं तो पूरे आर्टिकल आल आर्टिकल को तो मिनिमम 18 तो मिलना ही मिलना है। उसके बाद देखते हैं कितना एक्स्ट्रा मिलेगा और कितना कम मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा तो ऐड करेंगे, कम मिलेगा तो उसको घटा देंगे। ये कितना एक्स्ट्रा है 7 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का 2 लोगों का, तो 2:7 यानी कि 14 एक्स्ट्रा। ये देखो इधर कितना एक्स्ट्रा है 8:7:15 यानी कि 8 एक्स्ट्रा है, कितने लोगों का एक्स्ट्रा है 3 लोगों का, यानी कि क्या मल्टीप्लाई यानी कि 24 एक्स्ट्रा। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, टोटल एक्स्ट्रा 14+24 का मतलब कितना हो गया, मैं कलर चेंज कर लूँ, 4, 4, 8, 1, 1, 2, 1, 3, 38। टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया 38। तरबूजा कट गया, तरबूजा कट गया तो सारे में बटेगा, सारे कितने मेंबर हैं 3, 5, 3, 8, 2, 10, यानी कितना एक्स्ट्रा हो गया 3.8। यानी ऑल टुगेदर को बेचा जाए तो 18% तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ 3.8% एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी उसको प्रॉफिट कितना होगा इस पे, पूरे को एक साथ बेचे तो 21.8% का क्या होगा प्रॉफिट, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसके अलावा इस क्वेश्चन को कोई भी दूसरा मेथड से बना लेना, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। और इस तरह से ये मेंस के टफेस्ट क्वेश्चन में से एक थे। इससे बाहर अब एवरेज में अभी तक एसएससी सीजीएल में और सीपीओ में इससे बाहर नहीं पूछा गया है, यहां तक आपका पूरा का पूरा एवरेज फाइनल हो जाता है।
पूरा हमने अर्थमेटिक टॉपिक 17 टॉपिक्स हमने अर्थमेटिक के फाइनल कर दिए। आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन को करके इस तरह से आप नहीं देखे हैं तो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। आप ₹200 पे करके आप ज्वाइन हो सकते हैं ग्रुप में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा वो एडवांस मैथ स्टार्ट होगा, ठीक है। एडवांस मैथ के नेक्स्ट लाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एडवांस मैथ सीरीज में। थैंक यू।